नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल देसी हिंदी टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक और औषधीय पौधे के साथ में। इस पौधे का नाम पियाबासा है। हमारे यहाँ पर इसे कालाबासा के नाम से जानते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आयुर्वेद में भाषा जिस पौधे को बताया गया है उसकी चार प्रजाति है, सफ़ेद, काली, लाल व पीले फूलों वाली। यह पीले फूलों वाला वासा है, इसलिए इसे पिया वासा कहते हैं। इसके फूल पांच पंखुड़ियों वाले घंटे के आकार में लगते हैं। इसके पत्ते आगे से नोक वाले अंडाकार होते हैं, जो जोड़ों के साथ लगते हैं। इन पत्तों के जोड़ों में लंबे नुकीले कांटे भी लगते हैं। इसकी जड़ें बहुवर्षीय होती है। इस पौधे को आदिवासी लोग कांटे वह पत्तों से ही पहचान जाती है। पियावासा को उष्णवीर्य गर्म प्रकृति का बताया है। इसका प्रयोग कफ रोगों में, क्षय रोगों में, मूत्र कच्छ की समस्या में, शरीर से सूजन दूर करने में, बाजपन में, स्पर्म काउंट बढ़ाने में, विष को खत्म करने में, वात दोष में, बालों की समस्या में, दांत व मसूड़ों की समस्या में, रक्तजन्य विकार नष्ट करने में, त्वचा संबंधी रोगों में, फोड़े फुंसी में, हाथ पैर की जकड़न में, माइग्रेन व आंतरिक फोड़ों में, स्वपन दोष, धातु रोग, लिकोरिया, परमेह व परदर की समस्या में किया जाता है। यह शरीर में प्यास, पसीना, जलन आदि करता है। इसके सेवन से भोजन जल्दी पचता है। इसके पत्तों के रस की 2-3 चम्मच मात्रा के साथ 1 ग्राम सौंठ मिलाकर लेने से अतिसार में लाभ होता है। ज़्यादातर पियावासा को कफ, खांसी व कफ जन्य रोगों में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह कफ रोगों की बेहतरीन दवा है। इसके लिए आप इसके 8-10 पत्ते ले और कूट कर काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पियाए। अगर सर्दी को लगे 24 घंटे ही हुए तो इसके काढ़े को रात में पीकर सोने से ही सुबह तक आराम हो जाता है। छोटे बच्चे को इसके सवरस के साथ शहद मिलाकर चटाएं। आप इसके सूखे पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके लगभग 5 ग्राम पंचांग को 1.5 गिलास पानी में उबाले व काढ़ा बनाकर पियाए। दाद, खाज, खुजली में इसके पत्तों की चटनी करके लगाएं। वह गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन, लीवर की सूजन, आंतों की सूजन, शरीर में दर्द आदि में इसके पंचांग व सोठ का काढ़ा बनाकर सेवन करें। मूत्र संबंधी दिक्कत व पेशाब कम आने में इसके पत्तों के सवरस में पानी मिलाकर पिए, क्योंकि इसके पत्तों में पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। दांत दर्द में इसके पत्तों को पानी में उबालकर पानी से कुल्ला करें। और बात करें इसके नुकसान की, तो इसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी होती है। यह पित्त को बढ़ाता है, इसलिए पित्त प्रकृति के लोग इसका सेवन सावधानी से करें। जिनको पेट में सूजन है, पित्त बढ़ा हुआ है, रक्त बहने का विकार है, हाथ पैर में जलन है, छाले है, वह गर्भ अवस्था में इसका सेवन ना करें। और आखिरी में मैं आपसे यही कहूँगा कि इसी तरह की आयुर्वेदिक देसी घरेलू नुस्खे व जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।